तो स्वागत है आपका दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्क कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब आप किसी कस्टमर के यहाँ पे किसी सीसीटीवी बिजनेस साइट के लिए विजिट करते हैं, तो आप वहाँ कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके आधार पे आप सही DVR या NVR या कैमरे आप सजेस्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी होता है कि कस्टमर को कितने दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए। तो उस रिकॉर्डिंग के कैलकुलेशन के आधार पे आप सही स्टोरेज कैपेसिटी वाला DVR एन वी आर वहाँ यूज़ करेंगे। लाइक अगर उनको कम दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए तो एक या साटा या दो साटा वाला जो DVR या NVR आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा की उनको रिकॉर्डिंग चाहिए तो उसी हिसाब से पहले हम स्टोरेज कैलकुलेट करेंगे, और कितनी कैपेसिटी का हार्ड डिस्क जब लग रहा है उसके आधार पर हम सही DVR एन वी आर को पिक करेंगे। तो स्टोरेज कैलकुलेट करने के लिए ही मैंने ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर सजेस्ट करने वाला हूँ, डिस्क कैलकुलेटर, जो आपके कैलकुलेशन को ईजी बना देगा। क्योंकि आप अगर पेपर और पेन के थ्रू अगर स्टोरेज कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, ये आपका काम एक बहुत ही कम टाइम में कर देगा। तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, किस लिंक से मिलेगा और इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसको मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। बताता हूँ, अभी मैं इसकी वर्किंग को बताता हूँ कि कैसे इस पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऐड स्ट्रीमिंग, स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे। ऐड स्ट्रीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ चैनल कंप्लीशन ये सारी डिटेल्स आ रही है, इसको बस फिल करना है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक अगर आपको सिर्फ चार कैमरे ही लगाने हैं तो चार आप यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कंप्रेशन मेथड सेलेक्ट करेंगे H.264 या H.265। तो आज करंट टाइम में H.265 ही लेटेस्ट है और मोस्टली यही यूज़ हो रहा है, तो H.265 हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। एनवायरमेंट में आपको कुछ नहीं फील करना है। रेजोल्यूशन में आपको आपके कैमरे का कितना मेगापिक्सल है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ 2 MP सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेम रेट, मैक्सिमम फ्रेम रेट तो 25 आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। 30 बाई डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में आता है, आप 25 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो 30 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट बिट रेट 2048 KBPS है, तो आप इसको चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप बिट रेट बढ़ा रहे हैं तो बिट रेट यहाँ पे बढ़ा कर लिखना होगा, अगर नहीं बाई डिफ़ॉल्ट पे रख रहे हैं तो ठीक है, तो आपको 2048 यहाँ रखना है। अगर ये कैमरा आइडियो वाला भी है, अगर इनबिल्ट आइडियो है, अगर उसमें आइडियो का भी डेटा है कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे आइडियो इनेबल कर देंगे। अगर आइडियो नहीं है तो उसको डिसेबल कर दीजिए। अब इसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटी है, यहाँ पे हमें टिक करना होगा। ये हमारा एक दिन का रिकॉर्डिंग डेज वन को आपको 84.38 GB रिक्वायर्ड होगा कैप्स, तो राउंड फिगर ये 85 GB आपको चाहिए होगा एक दिन के रिकॉर्डिंग के लिए, अगर एक दिन का डेटा अगर रिकॉर्ड करता है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर आपकी 7 डेज है तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो 590.63 GB यानी कि 591 GB स्टोरेज कैपेसिटी आपको चाहिए होगा अगर डेटा को 7 दिन तक रखना है। तो इस हिसाब से आप अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार ये इसको आप बढ़ा सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको पिक कर सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ कैमरेज और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन रिकॉर्डिंग डेज है। अगर आपके पास अगर हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आपको ऑलरेडी पता है कि इतना ही आपको यूज़ करना है, तो आप वो कैपेसिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक 1 TB अगर आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है, आपको कस्टमर के यहाँ पर 1 TB लगाना है, और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने दिन ये रिकॉर्ड करेगा, तो आप यहाँ पर सिंपली आप स्टोरेज कैपेसिटी सेलेक्ट कर लीजिए। रिकॉर्ड प्लान 24 आवर ही होता है। अगर अगर डेली कुछ अगर कुछ घंटे रिकॉर्ड हो रहा था, कस्टमाइज पे क्लिक करके कस्टमाइज घंटे डाल सकते हैं। मैं 24 आवर लेकर चल रहा हूँ, तो 1 TB में कितने दिन रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो 10 दिन 4.14 आवर, तो 10 डेज मोटा मोटा ये रिकॉर्ड करेगा। यानी अगर 1 TB का हार्ड डिस्क आप लगाते हैं चार कैमरे पे, तो H.265 कंप्रेशन पे और ये बिट रेट 2048, तो आपको 10 डेज की रिकॉर्डिंग मिलेगी। और इससे अगर रैड कैलकुलेट करना हो तो रैड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर बड़े जहाँ पे रिक्वायरमेंट स्टोरेज की ज़्यादा होती है तो रैड कन्फिगर किया जाता है, RAID 1, RAID 5, RAID 6 समथिंग ये दिया है। तो आप इस हिसाब से अपने ड्राइव के हिसाब से 8 बे है और कितनी कैपेसिटी है ये सेलेक्ट करके रैड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल यूज़ में आपको डिस्क रिक्वायरमेंट और रिकॉर्डिंग डेज से ही आपका काम हो जाएगा। इस डिस्क कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर को कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हम वो स्टोरेज कैलकुलेशन करते हैं, ये आपका धोवा टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स पे आपको डिस्क कैलकुलेटर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टॉल पे क्लिक करेंगे, इस पे 2-3 सॉफ्टवेयर आपको और दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप जिसको क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने डिस्कनेक्ट की बात करी है तो डिस्कनेक्ट मैंने क्लिक किया तो इंस्टॉल होगा। अब ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन पे क्लिक करेंगे।
ये डिस्क कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। दोहुआ टूल बॉक्स डाउनलोड करने का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।